सो गाइस आपका वेलकम है फिर से एक और नई वीडियो के साथ। तो आज अपन दोबारा से खेलने वाले इंटरनेट कैफे सिमुलेटर का पार्ट नंबर 2। और बाकी लास्ट वाले एपिसोड के अंदर आपको याद होगा कि अपन ने एक पीसी सेटअप कर लिया था जो कि इतना था बढ़िया नहीं था, बट आज अपन एक खतरनाक सा पीसी सेटअप करने वाले हैं और साथ ही साथ अपनी शॉप को थोड़ा सा और अपग्रेड करने वाले हैं। और एक यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि मेरे को इस फ्लेट के अंदर दिखी है वो ये है कि अपन हुक्की को पी भी सकते हैं। तो यार अपन एक बार ट्राई करने वाले हैं। वैसे यार रियल लाइफ में कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए, अभी तो गेम है तो इसमें अपन एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो पास चलते हैं, ई प्रेस टू स्मोक हुक्का। ओके ओ भाई प्रॉपर साउंड आ रही है, मतलब कि जैसे हुक्के की साउंड आती है ना पीते वैसे प्रॉपर वैसे की साउंड आ रही है। बाकी यार कोई शक नहीं करेगा भाई तू पीता है, मैंने सच में यार कभी भी नहीं पिया। बस हाँ मैं बड़े लोगों के पास बैठा हूँ यार वो पीते तो मैंने साउंड जरूर सुनी है, बाकी मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया। गाइस आप भी कभी ट्राई मत करना, हुक्का नहीं किसी भी टाइप का नशा कभी भी ट्राई मत करना। ये चलो छोड़ इसको, रहने दो, ये हुक्का यार कोई बाहर से गेस्ट विस्ट आता ना तो उसके लिए रख रखा था कि वो यहाँ पे आके बैठ के हुक्का वुक्का पी सके और आराम से यहाँ पे बैठ के बातचीत कर सके। अभी अपन जल्द चलते हैं अपनी शॉप के अंदर। और अपनी एलिवेटर है पहले से ऊपर की साइड में आ रखी है, अब इसको गया बैंक, तो इस वाले गेट को काटते हैं बैंक और टाइग चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। और चल के यार अपने को काफी ढेर सारा काम करना पड़ेगा। अब तो इसको भी खोल करता हूं, इसको ओपन किया, इसको करते वापस से क्लोज और इसको भी क्लोज ताकि यार किसी बंदे को दिक्कत ना आए वापस से लिफ्ट को ऊपर मंगवाने में। और अभी यार अपन डायरेक्ट चलते हैं अपने कैफे के अंदर। और बाकी यार आज अपन यहाँ पे भी आने वाले हैं बेस्ट पीसी पार्ट्स में। अभी तो पहले मैं चल के चेक करने वाला हूँ कि अपने को क्या क्या चीजें चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा अगर अपन पूरा नया सामान मंगवाएंगे तो वो काफी ज्यादा महंगा पड़ने वाला है, बट यहाँ पे अपने को सस्ते में मिल जाएगा सेकंड हैंड। अभी इस साइड में मैं अपनी शॉप पे तो आ चुका हूँ, अपनी शॉप का नाम देखो अपना कैफे, मतलब कि कोई बंदा आए तो उसको लगना चाहिए कि हाँ भाई मेरा कैफे है, एकदम खुल के यहाँ पे गेमिंग खेला। बट हाँ भाई पैसे देके जाना है, ऐसा नहीं कि भाई मेरा कैफे है, पैसे वैसे कुछ नहीं है, पैसे जरूर देके जाने पड़ेंगे। और यहाँ पे यार ये मेरे को पता नहीं क्या लिखेगा, बट हाँ ए लिखा है, ए का मतलब अपना कैफे। अभी जल्दी से इसको ओपन करते हैं। और सामने की साइड में आप देख रहे हो पहले जो यहाँ पे टेबल चेयर पड़ी है, मतलब पूरा पीसी सेटअप है, इसका फेस इस साइड में था बट अब इस साइड में है, ये मैंने चेंज कर दिया था। और अब यार यहाँ पे मैंने एक तो ये वाला सीपीयू ना, ये वाला यार चोर चुरा के ले गया, तो उसके बाद में मैंने सीपीयू भी चेंज किया है। और जो माउस पैड था वो भी आपको याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में अपना चोरी हो गया था, तो वो भी मैंने वापस से परचेज करके यहाँ पे लगाया है। ये तो सारा सारा काम अपना डन हो रखा है। अब भी सबसे पहले तो अपने को लाइट ऑन करनी है और पीसी पे चल के अपनी जल्दी से शॉप ओपन करनी है ताकि थोड़ी बहुत अपनी कमाई हो, फिर उसी से तैयार अपन और पीसी परचेज कर पाएंगे। तो यहाँ पे बैठते हैं, चेयर होकर से पीछे की साइड में, और सबसे पहले चल रहा है अपने को पीसी पे। और एक भाई साउंड काफी ज्यादा तगड़ी करता है, पता नहीं यार कब का पीसी है। अभी तो अपन सबसे पहले ओपन करते हैं अपने कैफे को, अभी इससे करता हूं मैं बैक क्योंकि ये तो मैंने ओपन कर दिया है। ओके डन। और बाकी एक सेकंड यार कुछ ऐसे लग रहा है कि वो शाम हो रखी है, मैंने सोचा कि भाई इतनी जल्दी रात कैसे होगी। और भाई जो चोर है ना वो यही वाला बंद है, बट अगर अपन इसको बाहर के साइड में अगर अपन मारेंगे तो अपने यार प्लेंटी लगने वाली है, मतलब कि अपन इसको जब ही मार सकते हैं जब ही अंदर के साइड में आके यहाँ पे कुछ चीज चुराता हुआ अपन पकड़ ले, फिर त्याता है इसको अपन यार कितने भी गुस्से लात। और जो बेसबॉल बैट पड़ा है इससे कितना भी मारो कोई दिक्कत नहीं है। और अब यार बस मैं वेट कर रहा हूँ कि कब कोई बंद आके अपनी कैफे में बैठे, और उसके लिए मैं यहाँ से टाइमर सिलेक्ट करूँ क्योंकि इस वाले गेम के अंदर वो गाइस तो फाइनली बंदा आ चुका है। और अभी यहां पे पीसी बैठ को और इसकी बॉडी देख रहे भाई आप, भाई कितनी तगड़ी मसल्स है भाई यार। मैं जल्दी से पीसी ऑन कर देता हूं वरना पता चले कभी अपने कोई लपेट ना ले। अभी वापस से पीसी पे बैठते हैं। और हां मैं आपको बता रहा था कि अब की बार जो इंटरनेट कैफे सिमुलेटर 2 है ना इसमें ऐसे नहीं होने वाला कि डायरेक्ट बंदा है वो यहां पे पीसी चलाने लगा और अपने को पैसे देके जाएगा, अपने को यार टाइमर सेट करके उसको अप्रूव करना पड़ेगा। जैसे कि अब ये बंदा है इसने अपने को रिक्वेस्ट भेजी है, ओके रिक्वेस्ट पे चलते हैं और अप्रूव करते हैं, प्लीज अनलॉक इट। ओके भाई मैंने अनलॉक कर दिया, अप्रूव कर दिया तेरा। और अभी इसके अंदर अपन ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि इससे अपने को कितनी प्राइस लेनी है। अभी तो यार मैं नॉर्मल प्राइस रख रहा हूँ क्योंकि अपना कैफे नया नया खुला है, जैसे जैसे अपनी रेटिंग बढ़ेगी मतलब कि अपनी शॉप में ज्यादा बंदे आने लगेंगे उसके बाद में अपन भी थोड़ी चौड़ करने वाले हैं और अपन भी थोड़े ज्यादा पैसे लेने वाले हैं। एक बार अपन सर की देखते हैं ये कर क्या रहा है। ओ भाई यूट्यूब चला रहा है भाई, एक काम कर दे प्लीज यार यहाँ पे यार जे जे गेमर सर्च कर या सब्सक्राइब कर ले मेरे को, ठीक है ओके भाई। देखो एक ये भी सब्सक्राइब कर रहे यार, गाइस आप भी जल्दी से जाके यार सब्सक्राइब का बटन दबा दो। बाकी यार मैं इसको भी बोल रहा हूँ कि भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। और अभी यहाँ पे कीबोर्ड पे सेलेक्ट भी कर रहा है, चलो इसको छोड़ो यार। अभी इस साइड में कैन है यार, मैं सफाई कर देता हूँ। सफाई करने के लिए सबसे पहले अपने को ये वाली झाड़ू उठानी पड़ेगी, ओके। अभी यहाँ पे एक ये कैन इसने फेंका शायद कि बाहर से यार कैन पीते पीते है, मेरे को लगता है कि जिम में जाके बाद में बाहर कैन लिया इसने कोल्ड ड्रिंक की उसको पी के उसने यहाँ पे डाल दी। और अभी यार अपन इसको कुछ बोल भी नहीं सकते। ओ भाई खड़ा होकर आ गया, ओके ठीक है अपने को
पेमेंट देने वाला है इसको पहले एक बार, इसको यहाँ पे रखता हूँ। ला भाई आराम से ले रहा हूँ मैं, कितने रुपए दे रहा है? ओके डन भाई, $97 देके गया, बढ़िया अपने को रुपए देके गया है। तो अब ये तो जा चुका है उस साइड में, जा रहा दिख रहा वो जा रहा है। अभी यार अपन वापस से पीसी पे चलते हैं। अभी अपने पास यार सिर्फ और सिर्फ $861 है, ज्यादा अपने पास पैसे है नहीं, तो अपने को थोड़ा तगड़ा पीसी बनाना, मतलब ऐसा नहीं पहले वाला जैसा नहीं, थोड़ा बढ़िया से पीसी सेटअप करना है। तो मैं सोच रहा हूँ उसके लिए अपन थोड़े और ज्यादा डॉलर कमाते हैं, उसके बाद अपन पीसी सेटअप करने वाले। तो इससे क्वाइट कर दो। और फाइनली गाइस अभी बंदा आ चुका है यहाँ पे पीसी चलाने के लिए, एकदम बढ़िया से। सर बैठो सर। ओ उसने अपनी और डॉडी ऑरेंज कलर के लगवा करवा रखी, एकदम घटिया सा लग रहा है, बट कोई नहीं यार भाई, अब सर आप बढ़िया लग रहे हो, एकदम मस्त लग रहे हो, कोई नहीं यार एकदम फर्स्ट क्लास लग रहे हो। एक सेकंड का आप टाइम दो, मैं जल्दी से पीसी पे बैठता हूँ, आपको अप्रूव करता हूँ। और आप यार थोड़ा ज्यादा देर तक चलाना, इसको करते हैं अप्रूव। ओके डन। अभी अपने पास सिर्फ एक ही पीसी है, तो अपने को यार वेट करना ही पड़ रहा है। अपने यार एक काम करते हैं, अपने को थोड़ा बहुत सामान परचेज करना ना, तो बस सेकेंड हैंड परचेज कर ले, तो थोड़े से बढ़िया पीसी भी आ जाएंगे और थोड़ा बढ़िया सामान भी आ जाएगा। अभी तो ये बंदा जाता है, उसके बाद में अपन यहाँ से चलने वाले हैं, वरना तो पीछे से यार चोर फिर से घुस के कोई ना कोई चीज़ चुराए लेने वाला है। तो इतनी देर में एक काम करता हूँ, पीसी के ऊपर बैठ के एक बार चेक कर लेता हूँ कि शॉप अपनी अनलॉक कहाँ से होने वाली है। ओ एक सेकंड भाई 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 भाई, रुक रुक भाई, बैक बैक भाई, रुपये नहीं देके गया। ओ भाई भाग गया, मैं तो यहाँ पे चेक कर रहा था, रुपये नहीं देके गया, किस साइड में गया भाई। हेलो वो जरा ओके ओके डन डन भाई, रुपए तो मैं तेरे लेके रहूंगा भाई, तू कितनी दूरी भाग जा, रुपए दे। ओ भाई रुपए ले लिए अपने, इसके एक खोपड़ी में मारते ही डायरेक्ट $112 अपन इसको दे दिए इसने अपने को। भाई वे फॉल तुम्हें, मैं तो वहां पे पीसी चला रहा, डायरेक्ट यहाँ से खड़ा होकर भाग गया। इसने सोचा कि भाई ये पीसी में लगा पड़ा है, यहाँ से अपन चुपके से निकल लेते हैं, क्या एक पता चलेगा इसको भाई, बाद में तो मेरे को पता चले ना चले, बट अभी तो मेरे पास सिर्फ एक पीसी है। और तू एक कस्टमर आई इतना तो सोचना चाहिए था तेरे को यार, नजर सिर्फ तेरे पे ही रहने वाली है, ज्यादा बंदे होते तो चलो फिर भी पता नहीं चलने वाला। अभी यार ये तो जा चुका है, तो मैं इसको वापस से नीचे रखता हूँ। और एक बार अपन यार शॉप को थोड़ा अपग्रेड करते हैं, तो यहाँ पे ओ तेरी भाई इस साइड में किचन भी ओपन होने वाला है अपना, जो कि $1400 में होने वाला है। अपने पास $973 है, वो थोड़ा स्पेस बढ़ने वाला है, वो है $799 भाई, नहीं चाहिए, चलो छोड़ो ये नहीं चाहिए मेरे को, अभी बैक करता हूँ मैं इससे। अब यार एक लड़की और आ चुकी है अपनी शॉप के अंदर पीसी चलाने के लिए। मैम आओ आराम से यहाँ पे बैठो। ओ भाई अभी बताया जो अपना करेक्टर है ना, मैं इस लड़की को देख के यहाँ पे एकदम बढ़िया से बात कर रहा, इतनी देर से किसी से नहीं बोल रहा, जो कोई मतलब नहीं, कोई भी आओ कोई भी जाओ, पट से ये लड़की है ना इसके साथ एकदम इस पर फ्लर्ट कर रहा है पूरा का पूरा। भाई पता नहीं यार इसको लड़की दिखते क्या हो गया। अभी यार जल्दी से अपन अप्रूव कर देते हैं, क्योंकि अपने को पैसे चाहिए, अपने को लड़के से मतलब नहीं है, इसको कि अपन ने अप्रूव। ओके डन। अभी इसको छोड़ो यार, ये यहाँ पे बैठी है, और मेरे को लगता नहीं यार यहाँ से कोई सामान चुराने वाला है, बस यहाँ से अरे खड़ी होकर चले ही ना जाए बिना पैसे दिए। इसने ओ भाई कर क्या रही है, कोडिंग वोडिंग तो नहीं कर रही भाई, कुछ हैक तो नहीं कर रही ना, कभी यार बैंक बैलेंस से सारे के सारे रुपए निकाल ले, क्योंकि यार पता चला कि इसमें फिदा हो रखा है, इसने सारा का सारा लूट लिया पैसा वैसा सब कुछ। अभी तो यार ये चला रही है, तो इसको चला देते हैं, अपन चलते हैं जल्दी से सामने की साइड से, बस अपने को राइट हैंड साइड में लेना है, उसके बाद में ये रही अपनी बेस्ट पीसी पार्ट्स वाली शॉप भी आ चुकी है। अब चले अंदर की साइड में, तो यहाँ पे ये बंदा भाई फुल चोट में बैठा है, ये बोल रहा है कि भाई जिसको सामान लेना है लो वरना फाड़ में जो अपनी पूरी ऐसे है जेब में रखा कैसे है, एकदम मस्त बैठा है यहाँ पे पैर वर आगे रख के। भाई हेलो एक सेकंड, इस साइड में सीडी पता नहीं है किस चीज की दे रहा है, एम्प्टी सीडी, शायद इसके अंदर अपन यार कोई गेम वगैरह डाल के किसी बंदे को परचेज कर सकते हैं, या फिर कोई फिल्म विलम डाल के अपन किसी बंदे को परचेज कर सकते हैं। क्योंकि पहले यार मैं भी जब छोटा था, तो मैं भी यार मतलब कि सीडीज के अंदर गेम लेके आता था, एक तो मैंने स्पाइडरमैन 3 खेला था, ऐसा कुछ गेम था, जो कि मैंने मतलब कि कम से कम 6 से 7 महीने में पूरा का पूरा पार किया था, उसको मैं रोज स्कूल से आधे 2 से 3 घंटे खेलता था। अभी इस साइड में यहाँ पे ओ प्रो वीआर कंट्रोल है, लेकिन ये मेरे को नहीं चाहिए, क्या इतना अपने पास है नहीं। अभी मेरे को चाहिए यार, ये भी घटिया सा पड़ा है, इस साइड में भी घटिया पड़ा है, इसके पास तो यार बिल्कुल घटिया घटिया सामान पड़े यार, छोड़ यार इससे कुछ नहीं लेना मेरे को, मैं सब कुछ नया लेने वाला हूँ, उसके पास कोई भी ढंग का सामान नहीं है। अभी तो अपन जल्दी से वापस अपनी शॉप के अंदर चलते हैं, शायद तक वो लड़की यार अभी जा नहीं गई हो। ओके भाई गई, ओ भाई यार मैं क्यों गया यार इस साइड से, वो लड़की वापस से जा चुकी, अपने को पैसे भी नहीं दिए उसने, गई यार मतलब एक तो इतनी देर देर से यार बंदे आते हैं, और ऊपर से यार मैं उस साइड में चला गया, उसके पास भी कुछ नहीं है, मतलब कोई काम नहीं है, बस मैं उस साइड में गया, उसके पास सारी की सारी घटिया घटिया चीजें पड़ी, एक भी चीज बढ़िया नहीं है। अभी यार मेरे पास जितने रुपए ना, मैं इनसे एक तगड़ा सा पीसी सेटअप करने वाला हूँ। अभी अगर अपन चले वापस से अपने पीसी को, नो इलेक्ट्रिसिटी भाई, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ गई भाई, फिर से आगे कोई फट तो नहीं गए यहाँ पे। ओ अपने को वापस से ऑन करना पड़ेगा, ओफ
ऑन, ओ अभी ऑन हुई है अपने आप, पता नहीं यार कैसे हो गई, शायद तक यार वो लड़की गई थी वो, या तो वो बंद करके गई होगी, बाकी पता नहीं है मेरे को अपने आप बंद कैसे हुई। अभी तो अपन वापस से अपनी सिटी को स्टार्ट करते हैं। अभी यार इसके अंदर चलने के बाद में माइक कैफे में कुछ आ रखा है 3, वो किस पे चलते हैं, आई एम गोइंग होम टू पी। ओके भाई अभी इसने 2 स्टार की रेटिंग दी, ओके कंप्यूटर इन्फेक्टेड, ओ भाई अपनी रेटिंग 1.4 की आ रखी है। मर्ड ग्राफिक मतलब कि बंदे बोल रहे हैं कि भाई एकदम घटिया पीसी, एकदम घटिया ग्राफिक कार्ड है, कुछ नहीं चल रहा भाई, मेरे को भी पता यार इसमें घटिया चीज़ें हैं। और एक बोल रहा है भाई इसमें वायरस आ रखे एकदम बिल्कुल तरह घटिया से है। अभी मैं यार एक पीसी का सेटअप कर लेता हूँ बढ़िया सा, और एक बारी मैं यार साइज थोड़ी छोटी कर लेता हूँ, फुल स्क्रीन पे करते हैं ना तो क्या होता है कि इस साइड में बंदे बंदे या फिर चोर आता तो पता नहीं चलता। अपने को चलना है WWW में, अभी यहाँ पे जाने के बाद में अपने को चलना है जैमे जोर पे, और जैमे जोर के अंदर जाने के बाद में तगड़ा सा पीसी सेटअप हो सकता है क्या? अभी मेरे को क्या लग रहा है तगड़ा सा तो नहीं हो सकता, भैया आपको पता क्या सारी सारी चीज़ें नहीं आने वाले $1000 में, अपने को थोड़े ज़्यादा रुपये होने चाहिए तभी सारी सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, एक बार अपन एक तगड़ा सा काफी कम बस सा अपन सीपीयू ले लेते हैं, ताकि यार किसी को ग्राफिक कार्ड इनमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो वो अपना मिलने वाला है सबसे ज्यादा महंगा, ये मिल रहा है 9999 में, और अपने पास टोटल है $1049। तो मैं ये वाला परचेज करने वाला हूँ एड टू कार्ट, और अभी अपन चलते हैं यहाँ पे, और इसको क्या मैंने सिलेक्ट, और इसको करते हैं पेमेंट डन। ये तो मैंने ऑर्डर कर दिया है, अभी इससे करते हैं पैक, अभी थोड़ी देर में अपना आ जाएगा। और ये लड़की रोते रोते कैसे आ रही है, उसको बदबू आ रही क्या? ओ भाई सॉरी सॉरी सॉरी, पहले अपन जल्दी से करते हैं स्मेल, स्मेल आने नहीं दूंगा मैम, पूरा पूरा लो आप, ऊपर से नीचे तक कोई स्मेल नहीं आएगी। अब इसको नीचे रखते हैं, और बाकी साइड में आप देख रहे हो फाइनली अपना ऑर्डर आ चुका है, और ऑर्डर इसमें यार ऊंट पे आते हैं, अल हबीबी अल हबीबी वल्ला वल्ला, एकदम चश्मा वश्मा लगा के है भाई बंदा मस्त से ऊंट पे। भाई एक सेकंड, ओ मैं सोचा कि भाई डब्बा इतना पतला सा है इसमें सीपीयू कैसे आगे इतना चौड़ा बैठा, वो सीपीयू ही था इसके अंदर। अभी तो मैं इसको उठा दूं, ओ सॉरी सॉरी गलती से लग गया, गलती से लग गया मैम सॉरी सॉरी। अभी यार इसको मारना पड़ेगा वरना ये अपनी को मार डालेगी, खा खा गुस्से ले के ऐसे नहीं छोड़ने वाला मैं। यार इसमें ये ही दिक्कत है कि अपन मुक्के से नहीं मार सकते, बट कोई नहीं यार, अभी अपन इसको सीपीयू को उठाते हैं अपने पाके साइड में पड़ा है, इसका सेटअप करते हैं। इसके चक्कर में यार एक तो लड़की मुक्का लग गया, उसके बाद में ये भी चली गई है, मतलब कि आज का तो पूरा दिन खराब जा रहा है भाई। एक भी यार कस्टमर ढंग से नहीं है, सिर्फ 2 कस्टमर ऐसे जिनको अपन ढंग से कर पाए, जो कि अपने को रुपए दे के गए हैं। अब भी देखो मैंने ये वाला सीपीयू आप देखो कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको उठा के यहाँ पे रखता हूँ मैं, और ये वाला जो नया वाला है इसको उठाता हूँ और इसको रखता हूँ मैं यहाँ पे। ओके डन, यहाँ पे पुट गया, वायरिंग वायरिंग मैंने सारी काट दी है, वापस से अपना होन हो चुका है। और अभी अपन थोड़े ज्यादा रुपए कमाने के बाद में एक बढ़िया सी LED भी परचेज करने वाले हैं, जो कि गेमिंग मॉनिटर परचेज करने वाले हैं, ताकि बंदे यहाँ पे बढ़िया से गेम खेल सके। अभी यार CPU तो काफी तगड़ा सा हो चुका है, और अभी यार अपन जो नीचे की साइड में थोड़ा बहुत कचरा हो गया ना, तो इसको मैं वापस से साफ कर देता हूँ, अपने घटाना ये। एक तो पता नहीं यार ये बंदे यहाँ पे कितना कचरा कर जाते हैं। तो अभी तो कहते हैं सब को क्लीन कर दिया, और बाकी यार पिछले 2 या 3 घंटे से, वो भी गेम के 2 या 3 घंटे नहीं, रियल के 2 या 3 घंटे से मैं यहाँ पे बैठा बैठा बस बंदों को डील कर रहा हूँ। बंदे आ रहे हैं पीसी चला रहे हैं, और बाद में अपने को रुपए दे के जा रहे हैं, और ऐसे काटते काटते मैंने टोटल $1,167 कमा लिए हैं। और अभी यार अपन एक तगड़ा सा पीसी सेटअप करने वाले हैं, क्योंकि अभी तो देखो अपने पास सिर्फ एक सीपीयू बढ़िया सा है, बट अपने पास टेबल भी बढ़िया नहीं है, चेयर भी बढ़िया नहीं है, अपने पास मॉनिटर भी बढ़िया नहीं है, तो सब कुछ एकदम बढ़िया से परचेज करने वाले हैं अपन। और एक वॉल्स के पेंट भी बढ़िया से करने वाले हैं। तो भाई ये क्यों है यार, डोंट यू आर बीइंग सर्च्ड? ओके ठीक है भाई, सर्च चेक कर लो, बट मैंने गलती क्या कर दी यार, किसकी इसके लिए आए? ओ एक सेकंड, अभी मैं समझा कि किसके लिए पुलिस वाला है। ओ भाई यार कहीं मैंने बिल विल तो पे नहीं किया इसलिए तो नहीं आए, यार पिछली कल से भी पे नहीं किया, और इतनी 2 घंटे से मैं लगातार खेल रहा हूँ, पता नहीं कितनी बार दिन रात हो चुका है, और मैंने बिल विल पे नहीं किया क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और इसी वजह से यार बार बार में बिजली भी कट रही है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो वापस से इसको ऑन करते हैं, और अब भी यार अपनी प्लेंटी लगी है, मेरे को कुछ ऐसा टाइप का लग रहा है, क्योंकि जब भी वो आके यहाँ पे चेक वेक करके गया है। अभी तो अपन वापस से अपने पीसी पे बैठते इसको स्टार्ट करता हूँ, अपने बिल पे होने वाला है WWW में, अभी बिल्स में जाना है, देख रहे हो मैं बोल रहा था कि पक्का अपन को बिल पे करना होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल अपना $10 का आ रखा है, तो एक काम करते हैं पहले साइज बढ़ाते हैं। अभी पे ऑल मतलब इससे पहले भी आ रखे थे, बट उनकी प्लेंटी पहले लेके जा चुका है, या फिर उन्होंने FIR लिखवा दी पुलिस में कि भाई आप यहाँ देखो बिजली का बिल ही नहीं दे रहे। और आप नीचे की साइड में देख रहे हो अभी अपने पास है $4,157। तो अभी यार जल्दी से पहले तो चलते हैं अपन माइक कैफे में,
अभी देखो अपना जो पैंट है ना वो ये तो अपने ऑन कर रखा है, मतलब कि अभी पहले से अपना ये पैंट हो रखा है। इस साइड में यहाँ पे ये वाली वॉल्स ऐसी हैं और ऐसी हैं, और ये वाला मेरे को कलर ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रहा, मतलब बढ़िया है बट यार स्टार्टिंग से यही है तो इतना ज़्यादा खास नहीं लग रहा, बोर्स टाइप्स कुछ हो गया। तो अपन थोड़ा बढ़िया सा कलर करने वाले हैं, अभी अपनी को वापस से चलना है माई कैफे में। माई कैफे में जाने के बाद में एक तगड़ा सा कलर देखते हैं अपन जो कि फोन पे काफ़ी ज़्यादा मस्त लगे। ओ भाई ये वाला कलर मेरे को काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लग रहा है, जो कि मतलब कि कुछ ऑरेंज टाइप का, इस टाइप में येलो टाइप का, ऊपर से व्हाइट कलर का है। तो अपन ये वाला करने वाले हैं बाकी, और एक बार यार अपन और भी नीचे देख लेते हैं कितने कलर से। नहीं नहीं और नीचे बढ़िया नहीं लग रहे, मेरे को सबसे बढ़िया लग रहा है ये वाला, इसको करने वाला हूँ मैं बाय। ओके डन, ये वाला मैंने बाय किया। अभी अगर अपन बैक करें तो इस साइड में और इस साइड, ओ भाई तीनों साइड में कलर हो चुका है और कितना ज्यादा तगड़ा लग रहा है भाई। मतलब ओहो भाई, हाँ भाई पहले तो तू आ भाई, मैं यहाँ पे वॉल पेंट कर रहा हूँ, तेरे को हर बारी आना है यहाँ से सामान चुरा है भाई। कितनी बार मार खाएगा यार तू, बिल्कुल यहाँ पे ढीट हो रखा है, बारी बारी आके यहाँ पे मार खा के मर जा रहा है, लेकिन फिर भी बारी बारी चोरी करने के लिए आ रहा है। और अब भी यार आप कलर देख रहे हो इतना तगड़ा लग रहा है, ऑरेंज पानी स्टाइल में कुछ येलो, इस पानी वापस से ऑरेंज और ऊपर से व्हाइट, मतलब कि मेरे को यार गाइस काफी तगड़ा कलर लग रहा है। बाकी यार आप भी मेरे को कमेंट बताना कि आपको ये वाला कलर कैसा लग रहा है, और अगर कोई चेंज करना हो इनमें से तो अपन कल चेंज कर देंगे, आप कमेंट में कुछ जरूर से बताना। अभी तो अपन वापस से चलते हैं अपने इस पीसी पे, और अभी अपने को ऑर्डर करना है एक टेबल, एक पूरा का पूरा बढ़िया सा पीसी सेटअप। तो ये तो अपन पैक करते हैं, अभी इसमें जाने के बाद में कंप्यूटर केस मेरे को भाई बढ़िया सा चाहिए कंप्यूटर केस। अभी यहाँ पे देखो ये वाले तो एकदम घटिया 145, ऊपर वाले तीनों ना ये एकदम घटिया से, नीचे के साइड में थोड़े बढ़िया हैं। ब्लैक कंप्यूटर केस ये मेरे को, अभी अपने पास डॉलर है तो थोड़ा बढ़िया लेंगे ना, इतना घटिया नहीं लेंगे। अभी यार देखो 999 वाला अपने पहले से ऑर्डर कर रखा है, अभी इसके पहले एक तो 870 का है, ये दिखने में तो बढ़िया बट अपने को दिखने से नहीं चाहिए, अपने को अंदर से बढ़िया चाहिए। और इसके नीचे एक 1300 का भी है बट यार ये मैं नहीं लेने वाला। एक बारी अपन एक काम करते, इसको रहने देता हूँ मैं, एक बारी मैं देख लूँ टेबल कितनी महंगी है, अगर वो थोड़ी सस्ती मिलेंगी तो अपन ये वाला महंगा वाला परचेस कर लेंगे, वरना अपन नहीं करने वाले। अभी अपन चलते हैं डेस्क में जो कि है यहाँ पे, नीचे जाने के बाद में यहाँ पे पहले तो एक बारी पूरी फुल स्क्रीन करते हैं। अभी ये 488 की दिखने में इतनी बढ़िया नहीं लग रही, उसके बाद में भाई ये कौन सी टेबल है, इतनी छोटी सी है, इसमें तो पूरा पीसी सेटअप ही नहीं होएगा, ये 700 की नहीं चाहिए मेरे को। अभी इसके बाद में जो बढ़िया लग रही है ना वो मेरे को लग रही है ये प्रो गेमर टेबल, जो कि पूरी गेमिंग वाली फील देने वाली है। उसके नीचे भी एक गेमिंग टेबल है बट ये थोड़ी महंगी है, और इन दोनों की 5-5 स्टार है, और दिखने में भी मेरे को ज़्यादा बढ़िया ये लग रही है। ये थोड़ी सिंपल सी टेबल लग रही है बट ये वाली थोड़ी बढ़िया लग रही है, तो एड टू बास्केट एक तो अपन ये लेने वाले हैं। इसके अलावा अपने को क्या चाहिए, इसके अलावा चाहिए अपने को एक स्क्रीन, मतलब कि मोनिटर, ये अपन तगड़ा से लेने वाले हैं। यहाँ से अपन कौन सा लें, यहाँ पे यार ये प्रो LCD है, ये इतनी बढ़िया नहीं है। गेमिंग मॉनिटर, हाँ अपने को गेमिंग मॉनिटर चाहिए, इसकी 4 रेटिंग है और इसकी भी 4 रेटिंग है, उसकी 5 रेटिंग है, बट ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है तो ये वाला नहीं लेने वाला मैं। ये दोनों सेम है, फिर इनमें अंतर क्या है, ये भी $1100 का है और ये भी $1100 का है, तो एक काम करता हूँ यार ये मेरे को थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लग रहा है जो कि गेमिंग मॉनिटर X है, तो अपन इसको परचेज करने वाले ना यार, जो बढ़िया है उसको परचेज करेंगे। माउस में चलते हैं, माउस भी अपन गेमिंग माउस लेने वाले हैं, ये 370 का। ओ भाई ये वाला माउस देख रहे हो कितना तगड़ा यार, गेमर माउस, बट इतने ज़्यादा रुपए बचेंगे नहीं, फिर अपने पास अपन काफ़ी ज़्यादा महंगा महंगा सामान परचेज कर रहे हैं, नहीं ये वाला नहीं लेने वाला मैं। अभी अपन लेने वाले हैं RGB प्रो माउस। ओके डन, अभी अगर अपन इससे नीचे चले अपने को चाहिए माउस पैड, तो ये वाला अपन ने ले रखा है, अब की बार थोड़ा अपन बढ़िया से लेने वाले हैं, क्यूक हैवी नेचर। ओके ये लेने वाले हैं, एड टू बास्केट। ओके डन, अभी इतना सामान अपन ने ले लिया है, इसको मैं करता हूँ कार्ट और ये किया पेमेंट। ओ भाई अब भी अपने पास सिर्फ और सिर्फ $1440 बचे हैं, अपन ने ढेर सारा सामान ऑर्डर कर दिया है। एक चीज मैं भूल गया जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, चेयर, बिना चेयर के बंदा बैठेगा किस पे, तो अपने को वापस से चलना पड़ेगा जेमेजोर पे जाने के बाद में, तभी मैं सोच रहा डॉलर अपने पास बच कैसे गए। तो अभी अपन जाते वाले हैं चेयर्स में जाने के बाद में, ये वाली मेरे को चेयर बढ़िया लग रही है जो कि लो गेमिंग चेयर, लो बजट में भी इतनी मिल रही है, और अपने आप थोड़ी बहुत डॉलर बचा के भी रखने वाले हैं, ऐसा नहीं कि सारे बेच देंगे। तो अभी मैं सोच रहा हूँ ये लो वाली परचेज कर लेते हैं यार, अभी बस मैं ये परचेज करने वाला हूँ, एड टू कार्ट, चेक पेमेंट 655। ओके डन, अभी इससे करते हैं पैक और इससे किया मैंने क्वाइट, और एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ अपने पास बचे कितने डॉलर हैं।
अपने पास थोड़े बहुत बचे भी रहने चाहिए। ओके 7984 डॉलर बचे हैं, जो कि बढ़िया बात है, क्योंकि अगर सारे खर्च कर देंगे तो उसके बाद में कमाने में यार काफी ज्यादा मेहनत लगती है मेरे को, पता है पिछले 4 घंटे से लगने में कितना टाइम लगता है। अभी ये इसको ऐसे किया, अभी मैं थोड़ा बढ़िया से पीछे सेटअप करने वाला हूँ ये वाला, तो एक बार इसको इस साइड में रखता हूँ, इसको उठा के मैं इस साइड में रखता हूँ और यहाँ पे आने वाला। ओके डन, और अपना फायर की साइड में सामान आ चुका है, तो सबसे पहले अपन चलते हैं फायर की साइड में। ये रहा अपना सारे सारा सामान, और अभी यार मैंने एक चेयर ऑर्डर की थी तो वो भी लेके आ चुका है। ओके तो बाय बाय। अभी यहाँ पे अपने को सबसे पहले मेरे को चाहिए डेस्क, जिस पे सारे सारा सामान आने वाला है। ये वाली यहाँ पे लो गेमिंग चेयर है, यहाँ पे प्रो गेमर टेबल। ओके हाँ मेरे को ये चाहिए। ओ भाई पूरी आरजीबी लाइट लगी हुई है इसके यार। ओ भाई कितनी तगड़ी लग रही है, एकदम मस्त है यार ये तो भाई। इसको तो मैं एक बार अभी तो यहाँ पे रखने वाला हूँ, पर इसके लिए यार अपन अलग से इसको तो अलग से रखने वाले हैं, मतलब कि जो ऊपर वाला फ्लोर होगा ना उस पर रखने वाले हैं, नीचे वाले पे नहीं रखने वाले। ये तो काफी ज्यादा तगड़ी है यार। एक काम करता हूँ मैं इसको यहाँ पे अगर ऐसे रखूँ। ओके यहाँ पे आ जानी चाहिए यार। हाँ आईडी आ रही है। ओके डन ऐसे पुट। ओ भाई क्या लग रही है यार, काफी ज्यादा तगड़ी लग रही है। अभी तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले वापस अपने को चलना है यहाँ पे, अपने से लेना है गेमिंग मॉनिटर, और ये भी काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है यार। इसको यहाँ पे अगर अपन रखें, यहाँ पे रखा मैंने। ओ भाई काफी मस्त लुक आने वाली है पूरा का पूरा सेटअप होने के बाद में। अभी अपने को चाहिए मेरे को यहाँ पे क्विक हैवी नेचर। ये क्या है? ओ ये तो पूरा भैया तो पूरा का पूरा बड़ा वाला पैड आ चुका है। कोई नहीं, इसके ऊपर कीबोर्ड माउस दोनों आ जाएंगे, तो इसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। और बाकी दिखने में यार काफी ज्यादा तगड़ा है। और अभी वापस चल रहा है बाहर किस साइड में, यहाँ से मेरे को लेना है यहाँ पे लो गेमिंग बजट चेयर। ओ भाई ये भी काफी ज्यादा तगड़ी है यार, एकदम कम्फर्ट दिख रही है। इसको भी मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ, यहाँ पे इसको क्या प्लेस, इसको पहले पूरा रोटेट करना पड़ेगा क्योंकि यार फेस सामने की साइड में होने वाला है। ओके डन। ओ भाई क्या लुक आ रही है इसकी, बट ये यहाँ पे बढ़िया नहीं लग रहा क्योंकि इसके साइड में पड़ा है तो इतना बढ़िया नहीं लग रहा। जैसे अपनी शॉप अपन थोड़ा ओल्ड अनलॉक करेंगे ना, उसके पान में काफी ज्यादा तगड़ा लगने वाला है यार। अभी सबसे लास्ट में हमें है आरजीबी प्रो माउस भी लेते हैं। और अभी यार मैं दो चीजें तो भूल ही गया ऑर्डर करनी, अभी मेरे याद है, एक तो अपने को सीपीयू ऑर्डर करना है और एक अपने को ऑर्डर करना है कीबोर्ड, और उसके बाद अपना काम डन होने वाला है। और अभी तो गाइस यार पंगा हो गया, अपने पास बचे सिर्फ और सिर्फ 784 डॉलर, और अभी इनमें से कोई भी अपन सीपीयू परचेज नहीं कर सकते क्योंकि इससे नीचे करेंगे तो घटिया घटिया पीसी है। तो अभी यार जो अपन ने उस पे लगा रखा है 99 वाला वो लगाने वालों में, बाकी हाँ कीबोर्ड अपन बढ़िया से परचेज कर सकते हैं, तो कीबोर्ड पे चलते हैं। और कीबोर्ड अपन परचेज करने वाले हैं गेमर प्लस। ओके 690 अपने पास मतलब बहुत कम बचेंगे, बट हाँ ये मैं ऑर्डर करने वाला हूँ। अब इसको क्या मैंने कट, 690 का डन। अभी अपने पास सिर्फ 94 डॉलर बचे हैं, कोई नहीं यार एग्जिट करते हैं। अब भी देख रहे हो बस इतनी देर की मेहनत में सिर्फ एक पीस सेटअप हुआ है, बट हाँ यार काफी ज्यादा तगड़ा हुआ है ये वाला। अभी देखो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो अपन है ना ये उठा के इसको रखने वाले हैं अपन इसके ऊपर, और ये किया मैंने यहाँ पे पुट। ओके डन। अभी आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूँ, इससे भी काम में आने वाला अपने का, मतलब कि एक पे नॉर्मल यहाँ पे आके बंदे आराम से अपना कोई यूट्यूब देखने तो यहाँ से देख लेंगे, किसी को गेम खेलना है तो वो उसके लिए ये वाला होने वाला है। अभी बस अपने को बाहर चलना है, और अभी तक यार अपना कीबोर्ड आया नहीं है, बस वो भी आने वाला ही है। ओ भाई फाइनली आ चुका भाई, जल्दी से यार मेरे को यहीं से पकड़ा था यार, यहाँ पे नीचे डाल के बाद में जाओगे आप। ओके डन। ये यहाँ पे देखो, ओ भाई यार मतलब कि एक से एक बढ़िया चीज मिल रही है। ये वाला भी देखो कितना तगड़ा लग रहा है आरजीबी लाइट के साथ, ये वाला भी मतलब कि अपना गेमिंग तो पूरा आरजीबी से है, बस अपना जो यहाँ पे ये वाला आरजीबी नहीं है जो कि यहाँ पे सीपीयू है, बाकी पूरा आरजीबी हो रखा है। अभी इसको मेरे को यहाँ पे प्लेस करना है। ओके डन। ये पूरा का पूरा सेटअप हो चुका है, बट इसमें क्या आने वाला है, चेयर मैंने प्लेस, ओ चेयर को थोड़ा आगे प्लेस करना पड़ेगा, तभी मैं सोचूं यार ऑन कैसे नहीं हुआ। ओके डन। ओ भाई ये भी ऑन हो चुका है। अभी देखो अपना एक सेटअप ये हो चुका, एक सेटअप अपना ये हो चुका, बट यार यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, मतलब कि यार सेटअप तो मैंने कर दिया बट ये थोड़ा बढ़िया नहीं लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इनको थोड़ा आगे पीछे बढ़िया से सेट करते हैं, उसके बाद में बढ़िया लगने वाला है। तो बस गाइस आप सिर्फ मेरे को एक मिनट का टाइम दो, मैं जल्दी से इनकी लोकेशन बदलता हूँ। तो अभी देखो गाइस यार फाइनली मैंने लोकेशन बदल दिया, और अब यार काफी ज्यादा तगड़े लग रहे हैं। अभी देखो गाइस आज की वीडियो तो बस यहीं तक, आज अपन यार अपनी शॉप को पेंट भी कर लिया है, और साथ ही साथ में यहाँ पे आप देख रहे हो अपन एक तगड़ा सा पीसी सेटअप भी कर लिया है, जो कि दिखने में यार काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है मेरे को। मेरा मन तो ऐसे कह रहा है कि मैं यहीं पे अभी बैठू और गेम में खेलने लग जाऊं, बट ऐसा हो नहीं सकता, अपने तो पीसी है ना वो हमेशा ऐसे घटिया सा रहने वाला है। तो अभी देखो गाइस कल अपन इसमें चेक करने वाले हैं,
कितने डॉलर इससे अपने को मिलते हैं और ये कैसे चलता है, कैसे अपनी रेटिंग मिलती है अपने को। अभी तो मैं सबसे पहले शॉप को क्लोज कर देता हूँ क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो गया है। ओके डन, इसको क्या बंद। अभी मेरे को करनी इलेक्ट्रिसिटी भी बंद क्योंकि वरना बिजली का बिल बेफालतू में काफी ज्यादा आने वाला है। अभी यार अपन यहाँ से बाहर चलते हैं और इसको मैं करता हूँ क्लोज, यहाँ से भी क्लोज हो चुका है। तो अभी तक के लिए गाइज बस इतना ही। बाकी अगर गाइज आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और बाकी गाइज कल मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो गाइज बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।